नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। चलिए एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। चंद्रग्रहण से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं। कुछ ही देर बाद साल का अंतिम चंद्रग्रहण लगने वाला है। 5:20 से चंद्रग्रहण शुरू होगा, यानी अब से करीब 18 मिनट बाद ग्रहण लगने वाला है। शाम 6:20 तक, यानी करीब करीब 1 घंटे तक ये ग्रहण रहने वाला है। 1 घंटे तक ग्रहण रहेगा चांद पर। देश में आंशिक रूप से नजर आएगा चंद्र ग्रहण, और आप जानते हैं कि 9 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको देते हुए 5:20 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 6:20 तक ये ग्रहण रहने वाला है। पूरे 1 घंटे तक चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत के पूर्वी हिस्सों में हालांकि पूरी तरह से ग्रहण नजर आएगा, तो दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे राज्यों में आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण नजर आएगा। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, इसे ठीक 15 दिन पहले 8 नवंबर 2022 को मंगलवार को ही साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था। तो 15 दिन पहले आप जानते हैं साल का अंतिम सूर्य ग्रहण था, आज यानी 8 नवंबर को। अब से कुछ ही देर बाद साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था, जिसके बाद 15 दिन के बाद ही 8 नवंबर यानी आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कुछ ही मिनट्स बाद लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के दिन ही कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण क्या केवल एक खगोलीय घटना है या ऐसा कोई ज्योतिष महत्व भी है। ये कैसे आपके लिए लाभकारी हो सकता है या फिर हानिकारक हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करें और क्या नहीं करें, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे इन सब सवालों को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, केशव कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केशव, आपसे कुछ ही मिनट्स बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आप सबसे पहले ये बताएं कि भारत में कहां कहां ये ग्रहण देखा जा सकेगा। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं कि साल का आखिरी ये चंद्र ग्रहण है, और सबसे पहले अगर दुनिया की बात करें, दुनिया से हम भारत पर आएंगे तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन के अंदर इस ग्रहण को देखा गया, और पैसिफिक ओशियन के बाद जो कि आसपास के देश हैं वहां पर इसे देखा गया है। सबसे पहले चाइना के अंदर इसे देखा जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों के अंदर चंद्र ग्रहण को देखा जा चुका है। बात अगर भारत की करें तो अरुणाचल भारत का वो राज्य है जहां पर सूरज भी सबसे पहले दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जो है वहां से बताया गया कि सबसे पहले भारत में वहां पर देखने को मिला। दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो अब भारत में देखने को मिल रहा है। दो तरह से चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा, एक पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण और एक आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण जो है वो पूरे समूचे भारत में नहीं दिखाई देगा, पूर्वोत्तर के वो भी कुछ राज्यों के कुछ ऐसे हिस्से जो कि बहुत ऊंचाई पर है वहां से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा जो शेष भारत के बहुत सारे हिस्से हैं वहां पर वो आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। आंशिक चंद्र ग्रहण में भेद कर पाना सामान्यतः बहुत आसान नहीं है सभी के लिए, एक सामान्य चांद की तरह वो देखने को मिलता है खगोलीय घटना के तौर पर देखे तो, लेकिन उसका जो ज्योतिष महत्व है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सूतक काल और कई सारी चीजें उसके अंदर जुड़ जाती हैं। अगर और शहरों की बात करें, दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात करें ज्योति, तो 5:28 का जो समय है वो दिल्ली एनसीआर का बताया गया है जब चंद्र ग्रहण यहां पर दिखाई देगा। अमृतसर में 5:32 पर है, नोएडा में 5:30 पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5:15 पर है, शिमला में 5:20 पर है, देहरादून में 5:22 पर है, और मुंबई में 6:01 पर है। जैसे जैसे टाइम मेरिडियन के हिसाब से उस तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ उत्तर भारत के अंदर चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश सरीके जो राज्य हैं उत्तर भारत के वहां पर चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है ज्योति, अगर अभी मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो। बिल्कुल, देखिए तो पूर्व से शुरुआत होगी जैसा कि आपने जानकारी भी दी। केशव, अलग अलग लोग ग्रहण को लेकर अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। कुछ इसे पूरी तरह से कंप्लीटली इसे खगोलीय घटना ही मानते हैं, कुछ इसे ज्योतिष के साथ भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये प्रक्रिया या ये घटना कैसे होती है, ये ग्रहण कैसे होता है, क्या है ये खगोलीय घटना, ये भी अपने दर्शकों को समझाएं।
बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि चंद्र ग्रहण एक पूर्ण तरह खगोलीय घटना तो है ही, इसके साथ साथ इसके ज्योतिष आचार्य के महत्व हैं। और ज्योतिष महत्व केवल वो गणना के अनुसार नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स छिपे हुए हैं। ज्योतिष आचार्य इस बात को और अच्छे से गहराई में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ ज्योति कि आखिरकार चंद्र ग्रहण होता कैसे है। देखिए, ये सूरज है, सन, ये पृथ्वी है और ये मून है, यानी कि आप चंद्रमा है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। मून को यानी कि चांद को पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है, उसका प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है। कोई भी वो चीज जो कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमती है अपने एक सीमित अक्ष के ऊपर, उसे हम उसकी सैटेलाइट कह देते हैं, उपग्रह कह देते हैं। आर्यभट्ट है, इनसेट है, ये पृथ्वी की आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे कि मानव ने अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन मून जो है, चंद्रमा जो है, वो पृथ्वी की एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। जब सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है बाकी दूसरे ग्रहों के साथ साथ, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, तो एक सिचुएशन साल में ऐसी बनती है ज्योति, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा के अंदर आ जाते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जब सूरज के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस चंद्र ग्रहण का अभिप्राय क्या है? हम सब जानते हैं कि जो चांद है उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, वो एक नॉन ल्यूमिनियस कैलेस्ट्रल बॉडी है। वो उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके धरती तक पहुंचाता है जो कि सूरज से उसे मिलता है। आप मानिए कि चंद्रमा अभी यहां पर है, जब इसे ये प्रकाश सूरज का मिलेगा और इस प्रकाश को वो पृथ्वी तक पहुंचाएगा तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ग्रहण की अवस्था में क्या होता है कि ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही दिशा के अंदर आ जाते हैं। अब इस दौरान क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश सबका सब पहुंच रहा है, वो पृथ्वी तक तो पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो इसका प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। लेकिन पृथ्वी के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स हैं और साउथ पोल्स हैं, लाइट की टेंडेंसी होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जिसे कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में, वो लाइट बेंड होकर उस तक पहुंचती है। तो जैसे सूर्य उगता हुआ और सूर्य ढलता हुआ बिल्कुल लाल दिखाई देता है, तो इसी तरह से सूर्य के जो रोशनी है, आपको पता है, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि सूरज का जो प्रकाश है वो सात रंगों का मिलकर के बना होता है। सन की लाइट को व्हाइट लाइट कहा जाता है, जिसके अंदर VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये सात रंग उसके अंदर मिले होते हैं। तो जो लाल रंग है वो अपनी सबसे लंबी वेवलेंथ होने के कारण किसी तरह चांद तक पहुंच पाता है, इसीलिए चांद जो है हमें ग्रहण वाले दिन ज्योति लाल दिखाई देता है, जिसे हम डार्क मून भी कहते हैं या जिसे हम ब्लडी मून भी कह देते हैं। तो जो आप पश्चिमी और पूर्वी देश हैं जहां पर पूर्णकालिक चांद दिखाई देगा, या फिर जो भारत के भी पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं जहां पर अपूर्ण चांद ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर इस तरह का ही हमें चांद देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल लाल चांद होता है, जैसा कि दुनिया में दिखना शुरू भी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा जो और समूचा भारत है वहां पर जो ग्रहण दिखाई देगा ज्योति, वो पूर्ण नहीं होकर आंशिक दिखाई देगा, यानी कि उस पर जो ये रोशनी पहुंचेगी ये पूरी तरह से लाल नहीं होगी, ये आंशिक रोशनी व्हाइट सफेद ही पहुंचेगी, और इसलिए चांद वहां पर हल्का हल्का धुंधला सा वैसा ही दिखाई देगा। तो ये वो खगोलीय घटना है कि हमने आपको बताया कि आखिरकार चंद्रग्रहण होता कैसे, कि जब सूरज के और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूरज का प्रकाश सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है, और इस पूरी खगोलीय घटना को फिजिक्स की भाषा में, विज्ञान की भाषा में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योति, बिल्कुल बहुत विस्तार से और बेहतरीन ढंग से साधारण भाषा में आपने समझाया दर्शकों को कि क्या है ये खगोलीय घटना जिसे ग्रहण हम कहते हैं। और चूंकि चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे केशव, अब ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चूंकि दुनिया के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो गया है, तो अलग अलग आकार, अलग अलग रंग में, कहीं कंप्लीट भी पूरी तरह से भी नजर आ रहा है तो कहीं आंशिक रूप से भी नजर आ रहा है, यानी उतना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि देखिए कहीं आंशिक तो कहीं पूर्णकालिक नजर आ रहा है। केशव, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं खगोलीय घटना के, बहुत विस्तार से आपने बताया, एक एक बिंदुवार ढंग से आपने बताया के। लेकिन भारत, चूंकि भारत में या फिर खास तौर पर सनातन धर्म में इसे ज्योतिष के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, कुछ अच्छे असर किसी राशि पर, इसके बुरे असर ये भी माने जाते हैं, कुछ बातें वो भी हैं जो कि हम भी शुरुआत से सुनते आए हैं कि ये हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, सूतक काल भी लग जाता है, तो वो भी अपनी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको लेकर लोग बहुत ध्यान रखते हैं ग्रहण का जो भी समय, जितनी अवधि रहती है उसके दौरान।
निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि ज्योतिष विद्या के अंदर बताई गई है कि ये करना ठीक रहता है, और बड़ी मात्रा में सारी चीजें ऐसी हैं ज्योति की बताई गई है कि ग्रहण के दौरान ये चीजें ना करनी चाहिए। जैसे कि ग्रहण के दौरान कहते हैं कि ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर आधारित है कि जब कोई भी खगोलीय घटना इस तरह की होती है कि जब पृथ्वी के साथ चीजों का डायरेक्ट उस तरह का रिलेशन नहीं रह पाता जैसा कि वो सामान्यतः रहता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं धरती के चारों तरफ की वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में अब वो हमारी टेंडेंसी को और हमारी अब दिमाग की क्षमता को कहीं प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष कर सकती हैं। अब बहुत गहरा साइंटिफिक कारण इसके पीछे है जो कि अब रिसर्चर्स बेहतरीन तरीके से बता पाते हैं। और दूसरा मैं बताऊं कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की पूजा अर्चना जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो फलती नहीं है, लगती नहीं है। जितनी देर चंद्र ग्रहण होता है उतनी देर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। पूजा ग्रहण और जाप में थोड़ा सा अंतर है, जाप केवल मौखिक होता है, मंत्रोच्चारण के साथ हो सकता है, पूजा अर्चना जिसमें पूरे विधान के साथ आप पूरी हवन सामग्री के साथ इस तरह की चीजें की जाती है। फिर कहा गया कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उसे ग्रहण के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो अब होने वाली संतान है जो कि उनके गर्भ में पल रही होती है उसके ऊपर उसका नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक तरीके से। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान चाकू या कैंची का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भी बातें कही जाती हैं। और चंद्र ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों को छूने से जो है वो भी बचना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो पृथ्वी की फ्लोरा कैटेगरीज के अंदर जो आते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन डायरेक्टली होता है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो मून की लाइट हो या किसी भी तरह की लाइट हो, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसे ग्रहण को पूरी घटना के तौर पर देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इस तरह की वनस्पतियां हैं उसे भी छूने से बचना चाहिए। हाँ, कुछ ये भी कहा जाता है कि जो धूप घास होती है धूप घास को तोड़कर और घरों के जो भी बर्तन हैं उसके अंदर रखते हैं तो ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जुड़ी रहती हैं ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, उनकी फेरिस्त और लिस्ट बहुत लंबी है, और क्या चीज करनी चाहिए वो बहुत असामान्य सी और बहुत छोटी सी लिस्ट है। अगर मैं दुनिया के कुछ देशों का जिक्र ज्योति और करूं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो सबसे पहले जो है प्रशांत महासागर में चंद्र ग्रहण को देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जिसे कहा जाता है, और इधर अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरा जो इलाका है वो उसके अंदर फैला हुआ है। सूर्य चूंकि पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर छिपता है, जब सूर्य पूर्व से उगेगा तो उसकी सारी की सारी छाया जो है सुबह के दौरान पश्चिम में दिखाई देगी, और सूर्य जब पश्चिम में जाकर छिपेगा तो उसकी परछाई और छाया सारी की सारी पूर्व में दिखाई देगी। अब चूंकि हमने बताया था कि जब सूर्य के और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है उस सिचुएशन को चंद्र ग्रहण कहते हैं। शाम का समय यानी कि सूरज के ढलने का समय वो पश्चिमी छोर पर है, और पश्चिमी छोर पर अगर सूर्य है तो उसकी परछाई दिखाई देगी उसके अपोजिट यानी कि पूर्वी छोर पर। इसीलिए जो पूर्वी देश है, इसीलिए जो पूर्वी समतल जगह है चाहे वो महासागर हो, वहां पर ग्रहण सबसे पहले देखा जाता है, और इसीलिए प्रशांत महासागर में सबसे पहले देखा गया। उसके बाद अमेरिका में इसे देखा गया, अगर देशों की बात करें तो फिर ऑस्ट्रेलिया में इसे देखा गया, जापान में इसे देखा जा चुका है, और चीन में इसे देखा जा चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और चीन ये ऐसे देश हैं जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून देखा गया है, जैसे पूरी तरह से लाल चांद कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी के बहुत नजदीक वो चांद आ गया है। वो वाकई में पृथ्वी के नजदीक आता नहीं है, लाइट के इंपैक्ट से वो इस तरह से लगता है कि हाँ वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक आ चुका है, क्योंकि जिस अक्ष पर कोई भी उपग्रह या कोई भी ग्रह किसी की ग्रह के चारों तरफ घूमता है वो एलिप्टिकल शेप होती है, अंडाकार शेप होती है, पूरी तरह से गोल शेप नहीं होती है। और अंडाकार शेप जो है वो दो तरह से ऐसी होती है, जब किसी भी ग्रह के बिल्कुल बीच में आ जाती है, जब बहुत दूर हो जाता है बिल्कुल इन छुरियों पर आ जाता है तो ग्रह दूर हो जाता है, और जब इन छुरियों पर रहता है इस तरह से तो बहुत नजदीक हो जाता है। और इसीलिए आज का दिन चूंकि ग्रहण का दिन है तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो मून के और अर्थ के बीच का होता है, धरती के और चांद के बीच का होता है, इसलिए वो बहुत नजदीक दिखाई देता है और लाल दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर भारत के देशों की बात करें, जैसा कि हमने कहा था कि आप जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर सबसे पहले इसे देखा जा सकेगा, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी इसे देखा जा चुका है, और भी ऐसे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी पूरी तरह से इसे देखा जा चुका है। भारत में ग्रहण दिखाई देने के कारण कई सूतक काल भी अब ज्योति मान्य शुरू हो गए हैं, जिसका सुबह से ही जिक्र किया जा रहा था कि सूतक काल जब हो जाएगा तो इस तरह के प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, सूतक काल के शुरू होते ही इस तरह की खगोलीय घटनाएं शुरू हो जाती है। सूतक काल के दौरान ही वो डूज एंड डोंट्स वाली सारी सिचुएशन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सभी विधि विधान शुरू हो जाते हैं। तो अब पूर्वोत्तर और पूरे भारत के अंदर सूतक काल लागू हो चुका है, यानी कि अब ग्रहण को लेकर जो भी प्रतिबद्धताएं हैं और जो भी प्रतिबंध हैं
उन्हें मानने का ये समय आ गया है। दिल्ली के अंदर हालांकि 5:28 पर वो आसपास दिखेगा, अगर एग्जैक्ट टाइम अभी देखे तो 5:16 हुई है, तकरीबन 12 से 14 का अभी अंतर है जब दिल्ली और उसके आसपास यानी कि पूरे एनसीआर के अंदर जो है वो ग्रहण देखने को मिलेगा। एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा के उसमें वो सीमावर्ती जिले जो कि दिल्ली के साथ टच्ड होते हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे वो गुरुग्राम हो, उसमें भी 5:28 पर ही ग्रहण देखने को मिलेगा ज्योति। बिल्कुल। अच्छा केशव, देखिए ग्रहण जब लगता है उससे 8 से 9 पहले सूतक काल लग जाता है, तो जो नियम या जो नहीं करना है ग्रहण के दौरान, क्या वो सूतक काल शुरू होते ही साथ साथ वो भी शुरू हो जाता है कि पूरे ही सूतक काल में तमाम चीजें नहीं करनी है जो ग्रहण के दौरान नहीं करनी, या फिर उस दौरान लागू नहीं होते? अगर ज्योतिषाचार्यों की माने, जैसा कि हम उनसे बात करते हैं तो चीजें ध्यान में आती हैं, एग्जैक्टली उसी फेज को नहीं कहा जाता, क्योंकि जो हम घड़ी में समय देख रहे हैं ये तो जीएमटी के अनुसार है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अनुसार है, लेकिन जो ग्रहण लगते हैं वो इस वाली घड़ी को नहीं मानने होते, उनकी अलग से कुछ गणनाएं होती हैं, उनकी अलग से कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो सूर्य के मूवमेंट के अनुसार ही जो समय होता है उसके अनुसार वो माने होते हैं। तो हाँ, हमारी इस घड़ी के अंदर और जो दूसरी घड़ियाँ होती है जिसके अनुसार अब कैलकुलेशंस की जाती है, उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, लेकिन ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं वो एग्जैक्ट टाइम नहीं देते हैं कि इस दौरान से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप कह रही हैं वो इसी तरह की सिचुएशन होती है कि मान लीजिए अगर आज 5:28 पर दिल्ली में समय है ग्रहण का, तो इससे 3, 4, 5, 6 या और भी ज्यादा समय पहले सूतक काल चालू हो जाता है और इसके कुछ घंटों बाद तक भी सूतक काल रहता है। सूतक काल यानी कि वो पूरा कालखंड जिसके दौरान जिसके बीच में ग्रहण का प्रभाव जो है वो रहता है। ग्रहण ऐसा नहीं है कि केवल 2 के लिए दिखाई दिया तो केवल तब तक उसका प्रभाव रहेगा। जो खगोलीय घटना है वो तो केवल 2 की है, लेकिन उसका जो ज्योतिष महत्व है, उसका जो वैज्ञानिक महत्व है, वो उससे कई घंटों पहले और कई घंटों बाद तक अपना प्रभाव छोड़ता है। अब चूंकि वो ग्रहण है इसलिए उसका प्रभाव नकारात्मक तौर पर देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर दिखाई देगा, उससे पहले और उसके बाद में भी वो सूतक काल की जो सारी चीजें हैं कई घंटों पहले और कई घंटों बाद तक वो लागू रहती हैं। जो लेकिन केशव देखिए कुछ राशियों का भी अभी मैं देख रही थी कि कुछ राशियों ज्यादातर पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा, कुछ राशियां होंगे जिन पर अच्छा प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन बात यह कि मंत्र उच्चार करके, जैसे कि आपने भी कहा कि पूजा ना करें, मंदिर तो चूंकि बंद रहेंगे और पूजा नहीं होगी, लेकिन मंत्र उच्चार कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, ताकि जो प्रभाव है, जो नेगेटिव असर हो सकता है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। और निश्चित तौर पर ऐसा है, कुछ ज्योतिषचार्यों से जब हमने बात की थी इस बारे में तो उन्होंने राशिगत सिलसिले से राशि के तौर पर ही अपनी बहुत सारी चीजों को बताया था, उन चीजों को जब नोट डाउन किया तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, ये वो राशियां बताई गई हैं जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है इस ग्रहण का। मेष राशि की अगर बात करें तो चूंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है तो मेष राशि पर इसका प्रभाव लग रहा है, ये ग्रहण ही सबसे पहले मेष राशि के ऊपर लग रहा है। तो मेष राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल देव कहे जाते हैं, ऐसे में चंद्र ग्रहण इस राशि के जातकों के लिए कई तरह की बाधाएं लेकर आ सकता है। उन बाधाओं में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाली बाधा है वो मन में भय का माहौल है, यानी कि ज्योतिषाचार्य ज्योतिष विद्या के अनुसार ग्रहण के दौरान इस तरह की वाइब्रेशंस जो है वो मेष राशि के व्यक्ति के चारों तरफ क्रिएट हो जाती हैं, इस तरह का ऑरा उसकी तरफ क्रिएट हो जाता है कि उसका मन जो है वो थोड़ा ट्रॉमा सिचुएशन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, उसमें थोड़ा भय, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज होती है। तो ऐसे में मंत्रोच्चारण का जाप करना इसका जो है सॉल्यूशन बताया गया है, और मन को शांत रखना, पानी का सेवन करते रहना इसका उपाय बताया गया है। बात अगर ज्योति अगली राशि की करें, वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि पर यह ग्रहण कुछ मुसीबतें लेकर आने वाला भी ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया गया है। बिल्कुल। इसमें यह भी कहा गया है कि धन की हानि होने से आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो सकती है। अब मानने या ना मानने वाली बात है, इसमें भी दो तरह के तर्क आपस में जुड़ जाते हैं, अब साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक, बहुत सारी बातें इसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन जो ज्योतिषाचार्य कहते हैं वो कहते हैं कि भाई धन की हानि हो सकती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चीजों को सोच समझकर और एक प्रीडिसाइडेड कैलकुलेशन के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहण अच्छा बताया गया है ज्योति, नेगेटिव इंपैक्ट इसका बताया गया है वृषभ राशि पर और मेष राशि पर, जबकि पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मिथुन राशि पर बताया गया है। मैं रोकना चाहूंगी आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, आपने खगोलीय घटना ये कैसे घटती है और इसका क्या कुछ प्रभाव है ये आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना राणा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपसे हम समझना चाहेंगे, हालांकि केशव भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे चंद्र ग्रहण को लेकर, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, कितना और क्या असर आप देख रहे हैं इस ग्रहण का?
हम ये देखते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है, क्योंकि ये 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है, तो इतना इसको शुभ नहीं माना जाता। हम देखते हैं हर जो राशि है उसके ऊपर कोई ना कोई इसका असर अवश्य पड़ रहा है, मगर हम यही बताना चाहते हैं कि जो दान पुण्य पूजा पाठ अगर आप करते रहेंगे हर राशि वाले, तो उनको कोई भी दिक्कत इससे फिर नहीं आने वाली। जैसे कि हम देखते हैं मेष राशि वाले जो जातक हैं, आज का दिन अगर ये जब मोक्ष काल हो जाएगा ग्रहण का, तो वो अगर गेहूं का, मसूर दाल का, गुड़, चावल और लाल फूल का दान करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। और कोई भी जो लाल वस्तुएं हैं उनका दान करेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो वृष राशि वाले हैं, वो भी अगर उसके बाद में, ग्रहण के बाद में अगर ये चावल का, चीनी का या सफेद कपड़ों का दान करेंगे, तो इससे इनके घर में बहुत ही ज्यादा समृद्धि आने वाली है। इससे कोई भी अपने मन में किसी भी तरह की व्यथा बिल्कुल नहीं इनको पालनी चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, ये ग्रहण तो वैसे अच्छा ही है, और इनको भी हम देखते हैं कि अगर ये आज के दिन मोक्ष काल के बाद ग्रहण के, ये अगर घी, कपूर, फल आदि का दान करेंगे, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कर्क राशि वाले हैं, उनको भी ये ग्रहण के बाद इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, और इनको सफेद कपड़े का, चंदन का, कोई भी चीनी का, चांदी का, घी का और कपूर का अगर ये दान करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभकारी रहने वाला है। इसी के साथ 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 हम देखते हैं जो सिंह राशि वाले हैं, इनको ग्रहण के मोक्ष काल के बाद गेहूं का, लाल कपड़े का, तांबे का या मूंगे का अगर ये दान करेंगे, तो इनसे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। देखते हैं जो कन्या राशि वाले हैं, इनको घी का, कपूर का या कोई भी खाने की चीज का दान करेंगे, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जी, तो आपका ये मानना है जो आपने बताया कि बहुत ज्यादा बुरा असर या कुप्रभाव तो नहीं रहेगा इस बार के चंद्र ग्रहण का, और जो भी राशियां हैं, चूंकि आपने बताया कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो असर होगा भी या हो सकता है उसे भी हम कम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे कि तुला राशि वाले हैं, इनको भी चावल का, चीनी का, घी का, इन सब चीजों का अगर दान करेंगे, इससे इनके लिए ये जो ग्रहण है वो उनके लिए लाभकारी फिर सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए भी ये ग्रहण ठीक रहने वाला है, और वो अगर अनाज का, फल का, गुड़ का और मसूर दाल का दान करेंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये ग्रहण फिर शुभ रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो धनु राशि वाले हैं, उनको भी आज के दिन अनाज का, घी का, पीले फूल का, चने की दाल का, हल्दी का, इन सब चीजों का इनको भी दान करना चाहिए। और जो मकर राशि वाले हैं, उनको भी तेल का, तिल का, कंबल का, उन्हीं कपड़ों का दान करना चाहिए। ऐसे ये करेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा उससे लाभ मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जो हैं, वो भी अगर काली चीजों का दान करेंगे, गर्म कपड़ों का दान करेंगे, उससे भी बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ रहने वाला है। और जो हम देखते हैं मीन राशि वाले हैं, वो भी अभी पीले कपड़ों का अगर दान करेंगे, अनाज का दान करेंगे, इनके लिए ये ग्रहण जो है बहुत ज्यादा फिर लाभ लेके आने वाला है। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ग्रहण की जो भी स्थिति हो, इसको पूजा पाठ से, दान पुण्य से, जो भी स्थिति है उसको। अच्छा, आप ये भी बताएं कि क्या करें और क्या ना करें, ये सवाल सबसे बड़ा रहता है जहन में। हालांकि हमारे सहयोगी केशव ने भी जानकारी दी, लेकिन आप भी बताएं कि क्या क्या ऐसी बातें या चीजें हैं जिन्हें करने से जो ग्रहण का अगर कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो उसे हम रोक सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ग्रहण काल में हम यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल हमको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। इसे बहुत जरूरी है कि हमको एकदम मेडिटेशन करनी चाहिए, ये एकदम शांति से हमको बैठना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय जो मंदिर के कपाट हैं वो तो बंद हो जाते हैं, मगर मन ही मन हम अपने इष्ट देवता का नाम अवश्य ले सकते हैं। खास जो ध्यान रखना पड़ता है वो गर्भवती स्त्रियों को करना पड़ता है, और उनको जितना भी हो आराम से बैठना चाहिए, रिलैक्स मोड के अंदर अपने जो इष्ट देव है उनका दान करें, उनका ध्यान करें, और इसके साथ साथ वो कोई भी नुकीली या धारदार चीज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं जितना भी इस समय आप पूजा पाठ में ध्यान निध्यान रखेंगे तो कोई भी हमको फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, और जल के अंदर आप थोड़ा गंगा जल डालें स्नान के पानी के अंदर, उसके बाद ही अगर आप स्नान करेंगे, इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इस समय ग्रहण के दौरान ज्यादा कोई चीज का खाने पीने का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद जिस चीज का भी सेवन करें उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डाल दें,
उससे बहुत ज्यादा। केशव, अंतिम सवाल आपसे रहेगा, अपडेट कोई ग्रहण से जुड़े कहां कहां देखा जा चुका है? बिल्कुल, तकरीबन 5 मिनट का और समय है, दिल्ली एनसीआर के आसपास देखा जा सकेगा। और अगर अब भारत के लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो लैटिट्यूड्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होकर गुजरते हैं, और कर्क रेखा जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, पूर्वोत्तर के राज्यों से होती हुई जो अब दक्षिणी और उत्तरी राज्यों तक आती है, तो उसके बीच में पड़ने वाले जो राज्य हैं वहां पर धीरे धीरे दिख रहा है। एनसीआर की अगर बात करें ज्योति, तो 5:28 के आसपास यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया केशव, और रंजना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हरियाणा न्यूज को आपने वक्त दिया। और हमने बात की चंद्र ग्रहण को लेकर, तो चंद्र ग्रहण क्या करें क्या ना करें ये जानने का हमने प्रयास किया, किन राशियों पर क्या असर हो सकता है, अगर कोई बुरा असर हो सकता है तो उसे कैसे रोक सकते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।